तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। तो गाइस फाइनली हम उठ गए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और हम 7:30 अभी बज रहे हैं सुबह के। और गांव में तो जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो बात आती है उत्तराखंड पहाड़ों की, तो पहाड़ों में हमेशा सुबह उठा करते हैं और सारा काम करते हैं। और देखो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जो पानी है ना गाइस, ये शुद्ध एंड प्योर वाटर है। ठीक है, देखो कहाँ से आ रहा है हमें भी नहीं, लेकिन इतना शुद्ध पानी है ना इसको, वाह, प्योर वाटर नेचुरल दूध। बच्चा अपने मम्मी के पास, बाकी वैसे तो अभी और काम करना है मुझे। और आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो पेड़ है ना, ये आधे से ज़्यादा तो मैंने ही काट रखा है, ये देख सकते हो आप। और इसमें कोई अभी कोई दूसरा बंदा चढ़ा हुआ है, मेरा भतीजा लगता है वो अजीत। और ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वो, तो अब वो काट रहा है क्योंकि वो लेट कर दिया उसने, पहले बता नहीं तो मैं पहले ही काट के रखता था उसको। पेड़ तो बहुत ज़्यादा हैवी है भाई, चढ़ना बहुत मुश्किल था पहले। और हेलो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं घास लग के अपने प्यारे बैल बच्चों के लिए। ये देखो ये उनका घर है, दरवाज़ा उनका। और ये ला मैं अभी उठा के, और अभी कुछ और दिखा रहा हूँ, ये हमारे बकरे हैं, ये देखो। इनके लिए बेसिकली मैंने इनके लिए लाया है। डर रहे हैं साले। और ये दो नए लाए हमने भैया के शादी के लिए, ये दो मतलब है तो चारों ही शादी के लिए है, बट ये दोनों अभी नए लाएंगे, पहले हमारे पास ही थे। हेलो हेलो, ला, बहुत प्यारे हैं, समझदार भी है। ये देखो ये हरामी है साला, ये मारता भी है, हरामी है साला। और ये तो और आगे दिखाते हैं, ये दोनों गाय हैं हमारी। ये जो उधर वाली है, इनकी जो मम्मी थी वो बेचारी मतलब दूध देती तो गिर गई यार ढंग में। ठीक, ये बीमार हो रखा बेचारा, ब्रो बीमार हो रखा सार, सबके बैल बीमार हो रखे यार आजकल गांव में, पता नहीं यार कौन सी बीमारी आ गई। बहुत टाइम बाद आया मैं यहाँ पे आज, बहुत टाइम बाद। और आगे ये देखो मम्मी ने क्या क्या किया है, चूल्हे बना रही है इधर। ये अरबी, अरबी निकाल दी फाइनली हमने, दिख नहीं रही अच्छे से, ये रही अरबी निकाल दी है, उधर वाले खेत में लगी हुई थी। और ये देखो भिंडी, दिस इज अ लेडी फिंगर। हमारे गांव में हमारे घर में मतलब सब कुछ जो बाहर वेजिटेबल वगैरह रहते हैं ना, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, सब दरा सब कुछ यहीं मिल जाता है, सब कुछ बोले तो ऑल टोटल। ये ब्रिंजल का पेड़ देखो, फूल आ रहे थोड़े थोड़े, इससे लग जाएंगे थोड़े थोड़े बैंगन। और ये इसके नीचे अभी हम प्याज की जो पौध होती है ना वो लगा रखी है, इसमें दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि उसको खोलेंगे तो इसका जो भाव जो टेम्परेचर है ना वो बदल जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा इसलिए। ठीक है, और हाँ ये देखो यार ये तो लगी रखे इसमें,
वाओ ये देखो शु 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 शु। अनार का पेड़ है, दो है, और ये तो आप जानते होंगे किस चीज़ का पेड़ है, और नहीं भी जानते तो फिर मैं बता ही देता हूँ, ये है केले का पेड़ है, ठीक है। और अभी हमने इस पर काट रखे हैं, खाए भी तो हमने बीच में, और फिर से नए लगने वाले हैं। मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, ये अभी इसका फूल निकल रहा है बाहर, एक का तो मुझे दिख गया और बाकी का भी है, मैं देखता हूँ, औरों का भी निकल ही रहा है शायद धीरे धीरे। तो चलो वीडियो पे बने रहिए, और अभी हम घर जाएंगे, वहाँ से लाया मैंने जो घास लाया मैंने आज, वो ऊपर पहाड़ से, ऊपर जो लास्ट पहाड़ दिख रहा है ऊपर से लाया मैंने, इधर रास्ते सीधा और इधर वाला रास्ते सामने रास्ता दिख ही रहा है। फाइनली हम पहुँच गए, और अभी हम घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और हाँ आपसे मिलेंगे हम फिर से। और ये देखो मेरी मम्मी और मेरे बकरे, मम्मी तोड़ रहे भी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, यू नो दैट ग्रीन चिल्ली, थोड़ी थोड़ी सी लगी है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन अब इसका सीज़न भी उतर गया ना, ख़त्म होने वाला है इसका सीज़न, तो अब थोड़ी थोड़ी सी बची है, अब आधे तो अभी फूल लग ही रहे हैं फिलहाल, ये देखो, और तोड़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि हम इसका नमक पिसेंगे सिलपट्टे पे। जानते हो कोई सिलपट्टा नहीं जानते तो, जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी तो ऐसी होती है कि वो मशीन एक चीज़, ठीक है, और सिलपट्टा है जो हैंडमेक होता है, जो हम चटनी बनाते हैं और या फिर नमक पीसते हैं या फिर दाल का कुछ, दाल भी पीसते हैं हम, दाल का क्या बनाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, और फिर इस सिलपट्टे से पीसते हैं वो सारा। तो हम नमक बनाएंगे, नमक पीसने के लिए हम थोड़ी सी मिर्च तोड़ रहे हैं, शायद कल मैं देहरादून जाऊँगा तो देहरादून ले के जाऊँगा मैं नमक, क्योंकि बहुत टेस्ट रहता है, अमेजिंग। ये देखो इतनी तोड़ दी मम्मी ने तो जल्दी, तो गाइस टाइम हो गया शाम का, और मुझे अभी जस्ट मम्मी अभी मिर्च तोड़ रही है नमक पीसने के लिए, नमक बनाने के लिए, और मुझे बोला है कि तो थोड़े से लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं मतलब उससे कुल्हाड़ से, ठीक है, तो मैं उसको फाड़ूँगा अभी, और फिर हम शाम को जाएंगे घर, और घर आज मम्मी के साथ हमने खाना बनाना है, और दीदी भी आ रही है आज, और नाना जी भी आ रहे हैं, उन सब के लिए मतलब सब के लिए आज खाना बनाना है, तो अस बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी खाना बनाना है, और खाना बना गया हारा भाई खाना बनाएंगे आज, तो लेट्स स्टार्ट, लकड़ी फाड़ते हैं आज।
सकते हैं। अभी उस वक्त मैंने आधे ही फोड़े हैं और अभी मुझे मम्मी बुला रही है अंदर। देखो मम्मी बैठे हुए हैं, फिर मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा। और